क्यों भैया, पूरी पूरी वीडियो देख के बिना सब्सक्राइब पर जा रहे हो तुम आजकल? अगर तुम जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। कहाँ चलो जाओ तुम, लाल बटन पर अंगूठा तक के चले जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको हेयर का ट्यूटोरियल दूंगा। क्या? तो दोस्तों, आज मैं जिनका पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी एक यूट्यूबर हैं, जिनका यूट्यूब पर परफेक्ट फिजिक्स बाई बिनाये सर के नाम से एक चैनल है। फ्रेंड्स, अगर आप भी लॉकडाउन की वजह से कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो आप इनकी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ 2B पेंसिल के साथ फर्स्ट लेयर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं 4B और 6B 10B पेंसिल का यूज करूँगा। यहाँ पर मैं आर्ट लाइन की शेडिंग पेंसिल ही यूज कर रहा हूँ, और पेंसिल इरेजर और एक ब्लेंडिंग ब्रश यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर भी हमें लेयर बाई लेयर ही काम करना है। और ये इस पोर्ट्रेट का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में कल अपलोड कर दूंगा। अगर आप ये वीडियो एक या दो दिन बाद देख रहे हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। सेकंड पार्ट के आते ही मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। समझ रहे हो ना। दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आप पोर्ट्रेट बनाने से पहले एक बार पिक्चर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लें। आप जितना अच्छा ऑब्जर्व कर पाएंगे उतना ही अच्छा बना पाएंगे। तो आप किसी का पोर्ट्रेट बनाने से पहले एक बार अच्छी तरह से उसकी फोटो को ऑब्जर्व कर लें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के धन्यवाद। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो को हो सके तो शेयर भी जरूर करना। ठीक है, अंधाधुन शेयर करना।